हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तृप्ति सक्सेना और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पुडला सैंडविच। और ये सैंडविच बेसन में लपेट के बनाया जाता है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। तो आपने बहुत तरीके के सैंडविच खाए होंगे, एक बार इस सैंडविच को भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम इस तरीके से एक बाउल ले लेंगे और इस बाउल में हम डाल देंगे 2 चम्मच के बराबर बेसन। आप चाहें तो 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। भाई आपके पास बेसन ज़्यादा है तो आप 3 चम्मच डाल दें। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के बराबर सूजी। तो ये देखिए, 1 चम्मच सूजी डाल दिया और अब हम डाल देंगे 2 चम्मच भी सूजी की। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। भाई लाल मिर्च पाउडर आप अपने अनुसार डालें, अगर आप बहुत तीखा खाते हैं तो बहुत तीखा कर दें। और ये देखो मैंने 1 चम्मच डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, एकदम से पानी मत डाल देना। अगर एकदम से सारा पानी उड़ेल दिया ना तो बेसन अलग तैरेगा और पानी आपका अलग जाएगा कोई दूसरी दिशा में, तो ये काम नहीं करना है। भाई धीरे धीरे पानी डालो और धीरे धीरे बेसन को अच्छे से आराम से फेंटो। जितना आराम से फेंटोगे उतनी ही अच्छी आपकी ये पुडला सैंडविच बनेगी। नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पुडला, ठीक है। तो अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसमें बिल्कुल भी है ना, आप देख सकते हैं एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। और ये देखिए अब ये अच्छे से हमने घोल बना लिया है, बट अभी ये घोल थोड़ा गाढ़ा लग रहा है मुझे, तो मैंने थोड़ा सा पानी इसको और दे दिया। भाई थोड़ा और ले लो पानी और अच्छे से घोल तैयार कर लो। तो थोड़ा पतला पानी हमको चाहिए, यानी कि पतला घोल चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं कि आपकी ब्रेड सोख ही ना पाए। इतना चाहिए कि ब्रेड उसमें डूब जाए और अच्छे से निकल आए। भाई ये देखो अभी भी घोल हमें थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो हम इसमें ना थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। भाई हमारे पास पानी की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पानी बहुत आता है। और ये देखो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, क्योंकि हमें इसमें ब्रेड को नीचे तक डुबाना है, यानी कि ब्रेड की डुबकी लगानी है। और इतना चाहना है ब्रेड का बैटर ऐसा तैयार करना है कि जो बेसन है ना वो ब्रेड में अच्छे से चिपक जाए, बट इतना भी ना चिपके कि जब हम खाने बैठे तो बेसन ही बेसन नज़र आए। तो ये देखो भाई थोड़ा पतला हमें बेसन चाहिए, तो ये हमने बेसन को पतला कर लिया और इस तरीके से ब्रेड को हमने इसके अंदर डुबकी लगा दी। ये देखो अच्छे से हमने इसके घोल के अंदर रख दिया। और अब आप देखो ये तवा ले लिया और इस तवे में हम थोड़ा सा ना ऑयल ग्रीस करेंगे। भाई मक्खन लगाना तो हर किसी का ज़रूरी होता है, तो इस तरीके से तेल लगा सकते हैं आप, मक्खन है तो मक्खन लगा दो। और ये ब्रेड रख दिया आपने, अब ये दूसरी ब्रेड भी हम रख देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे भाई ये प्याज के लच्छे। अब आपके पास जो भी वेजीज हो आप उसको रख सकते हैं। भाई लॉकडाउन चल रहा है, आपके पास जो भी हो आप उसको रख दो। मेरे पास प्याज है, मैंने प्याज रख दिया और इस तरीके से आप फैला लीजिए। और अब हम इसमें रखेंगे ये टमाटर। भाई टमाटर तो ज़रूरी हैं। और ये देखो 2 टमाटर के स्लाइसेस रख दिए। अब इसके ऊपर आप है ना आलू, ये कटे हुए उबले आलू मैंने डाल दिए, इस तरीके से आप भी डाल सकते हो। ये देखो भाई अब हम इसमें डाल दे रहे आलू, क्योंकि हमें आलू पसंद है, आपको जो पसंद हो आप उसे डाल दो। और अब हम इसमें डाल देंगे कुछ पनीर के टुकड़े। भाई मुझे पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो कच्चा भी खा लेती हूँ। बहुत से लोग कच्चा पनीर खाना पसंद नहीं करते, बट मुझे बहुत पसंद है, मैं बचपन से खाती आ रही हूँ। कच्चा पनीर मेरी मम्मी देती थी और साथ में देती थी 1 बड़ा ग्लास भर करके दूध, पर अब मैं दूध नहीं पीती। और ये देखो अब मैंने डाल दिया इसमें ये स्वीट कॉर्न्स, और ये स्वीट कॉर्न्स बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। अगर आपके घर में हो तो आप ज़रूर रखो, नहीं है तो कोई बात नहीं। और अब हम इसमें डाल देंगे ये बढ़िया तरीके से घिसा हुआ चीज़। आपके पास कोई भी चीज़ हो, मोज़रेला हो, चेदर चीज़ हो, आपके पास जो भी चीज़ हो आप उसका इस्तेमाल कर लो और ये इस तरीके से डाल दो। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे हरी मिर्च। भाई थोड़ा सा तीखापन भी तो होना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। और अब हम है ना क्या करेंगे, ये जो सेकंड वाली आप ब्रेड देख रहे हो ना, इसको हम इसके ऊपर पलट देंगे। भाई हमें आगे गुस्सा, और अब हमें सारा गुस्सा इसी के ऊपर रख देंगे। ये देखो हमने रख दिया और अब हम इसे अच्छे से दबाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि अब ये पलटेंगी तो शायद इनकी स्टफिंग इधर उधर गिरेगी। जी हाँ बिल्कुल गिरेगी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। इसको हम इतने अच्छे से पेस्ट कर देंगे ना कि दोबारा ये गिरेगी नहीं। अब हम इसके ऊपर लगा देते थोड़ा सा ऑयल। तो भैया ऑयल ग्रीस कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नीचे से ऊपर से हर तरफ से ग्रीस कर दो। और धीरे से इसको अब हम पलटेंगे। ये देखो हमने पलटा, हल्की फुल्की स्टफिंग इधर उधर गिरी, थोड़े बहुत स्वीट कॉर्न्स इधर उधर गिर गए हैं। और अब हम इसे दूसरी साइड भी घी लगा लेते हैं। अब ये देखो दोनों तरफ हमने घी लगा लिया और इसे दबा दबा के अच्छे से हमें प्रेस करते हुए इसे अच्छे से कुक कर लेना है। और ये जब जितना अच्छे से आप प्रेस करोगे ना उतनी अच्छी सैंडविच आपकी पेस्ट हो जाएगी, फिर आपको कोई शिकायत ही नहीं होगी। और उसके बाद आप दोनों तरफ से इसे करारा करारा सेक लें।
मैंने इसमें सूजी इसीलिए डाला था जिससे कि ये ब्रेड हमारी थोड़ी सी कुरकुरी हो जाएगी। और अब आप देख सकते हैं इसकी फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दें, अभी तक ये बिल्कुल लो फ्लेम में चल रहा था और अब आप इसकी फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दें जिससे कि ये जल्दी से कुक हो जाएगी। तो इसको बनाने में सिर्फ हमें 5 मिनट लगे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए अभी ये ज़्यादा अच्छे से कुक नहीं हुई है, थोड़ा सा हमें इसे टाइम और देना है। तो ये देखिए अब ये अच्छे से कुक हो गई, आप देख सकते हैं सब तरफ से। तो अब हम इसे दूसरी साइड भी पलट लेते हैं, और अब आप पलट रहे हैं तो आपकी ये स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो भाई ये देख लो, इसे हम दोबारा पलट देते, दोनों तरफ से अब ये सिक चुका है। अब हम है ना गैस को कर देंगे बंद और इसे है ना काट लेंगे दो हिस्सों। और ये देखो अब हम इसे दो हिस्सों में काट रहे हैं। भाई आपके पास पिज्ज़ा कटर हो तो आप उससे काट लें, अगर आपके पास पिज्ज़ा कटर नहीं है तो आप चाकू की सहायता से भी कट कर सकते हैं। भाई चाकू तो कितनों को काट देती है, तो ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सैंडविच है। अब मेरे पास पिज्ज़ा कटर था तो मैं पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि आपने तो किसी और चीज़ से काटा था, भाई मेरी सैंडविच तो कट नहीं रही। तो चाकू से भी आपकी सैंडविच कट जाएगी। और ये देखो सैंडविच कितनी बढ़िया लग रही है। तो अगर आपको ये सैंडविच पसंद आती है, ये पुडला सैंडविच, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।